क्या नाम है आपका? राधे श्याम यादव जी। यादव जी, अभी किदवई साहब यहाँ आए थे, सपा की तरफ से प्रत्याशी हैं वोट मांगने के लिए। जी जी। तो किसको जिता रहे हैं इस बार? हमारे इधर तो सपा का जो है जी परचम लहरा रहा है जी, और जीत नहीं रहे बल्कि भारी बहुमत से जीत रहे हैं। आप यादव हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं, अखिलेश यादव सपोर्ट कर रहे हैं कि वास्तव में ऐसा नहीं है जी? यहाँ जनता जो है उब चुकी है, क्योंकि भाजपा सरकार में जंगल राज कायम है, कोई किसी की सुनने वाला नहीं। वो तो कह रहे हैं हम बुलडोजर चला रहे हैं, अपराधियों को गिरफ्तार कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कोई सुनने वाला नहीं है। आज की डेट में पुलिस प्रशासन, राजस्व प्रशासन, आप कहीं जाएं, जो शिकायत आप देंगे जिसके खिलाफ, वो जांच उसी अधिकारी को दी जाएगी। तो जिसकी शिकायत आप कर रहे हैं वो जांच करेगा तो उसका न्याय कैसे होगा? यादव जी, एक तो ये प्रशासनिक समस्या आपने बताई, गाँव की क्या समस्या है? गाँव की समस्या है गरीब तबके की जनता, उसको जो है हर प्रकार से राहत मिलनी चाहिए, शासन की जो योजनाएं जनता तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन वो समय से कोई भी कार्य नहीं होता है, कोई हल उसका नहीं मिल पाता। छुट्टा पशु को लेकर के, लाल टोपी को लेकर के बड़ी बयानबाजी हो रही है। हाँ, छुट्टा पशु जो है ये कागज पे गौशाला बनाए गए हैं और कागज पे चारा आता है और खा जाता है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हमने जो है उज्ज्वला योजना, गैस सिलेंडर दे दिए, आवास बना दिए, शौचालय बना दिए, क्या हाँ, सुविधा यहाँ मिली है? अब शायद किसी किसी को मिली हो, ये तो नहीं हम कह सकते कि नहीं मिली है, लेकिन उसमें जो पात्र हैं जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता है। अपात्र लोगों को, अपने चहेते लोगों को जो उनके नुमाइंदे हैं उनको दिया जाता। तो क्या लग रहा है आपको इस बार किसकी सरकार? इस बार अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी और भारी बहुमत से बनेगी।